नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी मेहसाना से आपका स्वागत करता हूं। मैं मित्रों सांप का रेस्क्यू करता हूं। किसी के घर में, ऑफिस में, गोदाम में, ऐसी किसी पब्लिक प्लेस पे अगर सांप दिखता है, मुझे बोल करते हैं, तो मैं जाता हूँ उसको, सांप को वहाँ से पकड़ के उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देता हूँ। सांप भी सुरक्षित और मानव भी सुरक्षित। तो मित्रों आज का किस्सा मेहसाणा के रामोसरा रोड पे अनमोल विला सोसाइटी का है। आप देख चुके हैं बहुत बड़ी सोसाइटी है और काफ़ी रिच सोसाइटी है, बंगले हैं और उसमें बंगलों में आगे गार्डन भी होते हैं। तो ऐसा ही एक बंगले के छोटे से जो गार्डन है उसमें सांप देखा गया। नौकरों ने देखा सांप को और मुझे मैसेज मिला और मैं वहाँ पर गया हूँ। वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है आप देखें, और वहाँ पे जो पेड़ हैं, पेड़ के पीछे कहीं सांप छुपा हुआ था और शायद वो भी कहीं निकलने की प्रयत्न में ही था लेकिन अटक गया था। तो मुझे मैसेज मिला, मैं गया, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का काम मेरे लिए, मैं पहुँच गया वहाँ पे, स्टिक मेरी तैयार है और सांप बिल्कुल सामने ही है। ढूंढने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत सांप मिल गया और सांप को मैंने पकड़ लिया। और आप देखते हैं ये है नाग, चिर परिचित सांप, सभी को मालूम है ये जहरीला होता है और सांपों के कई प्रकार में से नाग जहरीले प्रकार में आता है। इसको डसने से मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो वही मैं करता हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान है कि कैसे करना है। और आप देख चुके हैं कि मैं स्टिक से पकड़ के सबसे पहले उसको एक खुली जगह में ले आया हूँ ताकि और किसी को वो आहत न कर सके, और अगर बाय चांस भागे भी तो मैं उसको तुरंत पकड़ सकूँ। अब काम खाली यही है कि उसको वहाँ से ले जाना है रेस्क्यू पे साथ, और ऐसी जगह छोड़ना है जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। मैंने उनको बोला था कि एक डिब्बा, जनरली चॉकलेट टॉफी का डिब्बा जैसा होता है वैसा तैयार रखें ताकि मैं उस सांप को पकड़ के उसमें ले जा सकूं। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि सांप काफ़ी बड़ा निकलता है, जैसे आज जो है वो मीडियम साइज़ का है, करीब 3 फुट का रहा होगा, लेकिन कई बार 5-5, 6-6 फुट के सांप भी होते हैं। तो ऐसे सांप के लिए फिर कई बार डिब्बा काम नहीं आता, तो उसको किसी थैले में भी ले जाया जा सकता है, लेकिन आज तो डिब्बे में आ जाएगा। मैंने बोला है घर मालिक को, वो डिब्बा लेके आएंगे और उसमें सांप को अंदर ले जाऊंगा। सांप का सबसे पहले फ़न अंदर करना पड़ता है, जैसे कि आप देखते हैं मैंने फ़न अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी अंदर जाती है और उसके साथ ही सांप भी पूरा अंदर समा जाता है। आप उसकी शरीर रचना ऐसी है कि वो गोल गोल घूम के कैसे भी करके पूरी अंदर चला जा सकता है, उसको कहीं मोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, उसकी शरीर का आकार ही भगवान ने ऐसा बनाया है। तो मित्रों आज का रेस्क्यू जो है वो समाप्त होने को है, अभी मैं सांप को ले जाके उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ूंगा। और मित्रों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ, फिर से करूँगा, कि सांप हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। वह प्रकृति की जो फूड चेन है उसका हमारे लिए, मानवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उनका मुख्य खुराक चूहे हैं। चूहों को खाते हैं जिससे अन्न बचता है, नहीं तो चूहे अन्न का बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो मित्रों फिर से आपको यही रिक्वेस्ट है कि कृपया सांपों को बचाने में मेरा सहयोग करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आपके कमेंट्स देते रहें। धन्यवाद।